अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम शेयरिंग माय फर्स्ट सहरी हियर। तो सबसे पहले मैं ये पराठे बना रही थी जो कि फ्रोज़न पराठे थे, जिसके मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं थी। मैं ये कभी कभी इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, नॉट ऑल द टाइम आई यूज़ देम। तो बस टाइम कम था और मैं अपने पराठे फ्रीज़ ही नहीं कर सकी, इतना काम था। तो जो मैं घर के पराठे यूजुअली फ्रीज़ करके रखती हूँ, अदर देन रमज़ान भी मैं करके रखती हूँ, तो वो मैं कर ही नहीं सकी, टाइम बहुत शॉर्ट था। तो वो मैं करूँगी, इंशाल्लाह हो जाएगा, एक दो दिन में मैं कर लूँगी। तो वही फिर मैं ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ और फिर मैं वही सहरी में बना रही होती हूँ। एट अ टाइम तो मैं नहीं बना सकती पराठे, मैं आई एम लेज़ी, इस काम में मैं बहुत लेज़ी हूँ कि मैं आटा गूँधूँ एट अ टाइम और पराठे या रोटी बनाऊँ, तो बहुत ही कम होता है। कभी कभी मैं बनाती हूँ रोटी वगैरह, तो पराठे जो है मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, अदर देन रमज़ान भी। और यहाँ पर मैं एक अंडा बना रही हूँ अलग टाइप के, मतलब मैं डिफरेंट टाइप के एग्स बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ली थी, मीडियम स्मॉल अनियन थी, उससे भी मतलब उसकी भी मैंने आधी ली थी, और बहुत थोड़े से उसको मैंने सौते किया। देन बहुत थोड़े से मैंने टमाटर डाले हैं, ये भी मैंने आधे से आधा लिया था टमाटर भी, और थोड़ी सी ग्रीन चिली, वन स्मॉल ग्रीन चिली डाली है। बहुत कम कम ये टमाटर और ग्रीन चिलीज़ बस थोड़ी सी जाएंगी, और बाकी ये शिमला मिर्च मैंने काटी थी, ग्रीन और रेड शिमला मिर्च है, तो ये भी थोड़ी सी थी, लेकिन टमाटर मैंने बहुत ही कम डाला था। आप हाफ़ टमाटर ले लें तो वो काफ़ी रहेगा आई थिंक, और हाफ़ अनियन मैंने ली थी बस, तो अच्छा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, अनियन को भी मैंने हल्का सा सौते किया था, दैन टमाटर और हरी मिर्च डाल के हल्का सा सौते किया, और शिमला मिर्च को तो बिल्कुल ही लाइट सा बस आपको करना है, हल्का सा कलर चेंज हो। तो फिर मैंने इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, हल्का सा स्प्रिंकल किया, और अब मैं अंडे ब्रेक कर रही थी और वन बाय वन मैंने एक एक अंडा तोड़ तोड़ के इस पे इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया था। जो जो आपने सब कुछ डाला है, प्याज शिमला मिर्च, आप सौते करके पूरे पैन में स्प्रेड कर दें, उसके बाद आप इस तरह से अंडे डालें, और फिर मैंने इसको ढक दिया था जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स में ये हो जाएंगे, जब एग वाइट हो जाएँ तो आप इसको बस निकाल लें, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपको नहीं करना है, वरना इसकी जो योक है वो हार्ड हो जाती है। और यहाँ मैं निकाल रही थी लबना, ये मैं लेकर आई थी, बड़े मज़े की लगती है सहरी में या नाश्ते वगैरह में आप खाएं, तो ये बहुत मज़े की लगी थी। और इसके साथ थोड़े से मैं ऑलिव्स वगैरह रख लेती हूँ, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर मैंने दही भी निकाल ली है और उसके ऊपर मैंने शहद डाल दिया है। सहरी में यूजुअली हम लोग दही खाते हैं, चीनी डाल लें आप या शहद डाल लें, वॉट एवर। और ये थोड़ी सी लबना निकाली थी, ऑलिव्स हैं, और ये देखिए ये हो गया है बस, इट्स डन। और मैं अब इस पर थोड़ी सी पेपरिका स्प्रिंकल कर रही हूँ, और हल्का सा इस पर सिर्फ अंडों पे सॉल्ट मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और अब मैंने इसको निकाल लिया है एहतियात से। तो जितने भी मैंने नीचे जो भी डाली थी वेजीज़, वो सब इस पर स्टिक हो गई बड़ी अच्छी सी, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको कुक ना करें, ढकने के बाद बस आप इसको 2 to 3 मिनट्स, जब इसका कलर चेंज हो जाए 3 to 4 मिनट्स में ये हो जाएगा डन। बहुत लंबा कुक करेंगे तो ये एग्स बहुत हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको बहुत सारे ऑयल में तो फ्राई कर नहीं रहे। और यहाँ मेरी स्मूदी भी बन गई थी, खजूर का मिल्क शेक मैंने बनाया था, तो ये मैं निकाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन, तो बस अब हम सहरी करेंगे। मिल्क शेक यूजुअली मैं सहरी में बनाती हूँ, किसी भी टाइप का बनाना होता है, या फिर समटाइम्स लस्सी बना लेती हूँ, एनी टाइप ऑफ मिल्क शेक। तो यहाँ मैंने खजूर का मिल्क शेक बनाया था, खजूर के पेस्ट से बनाया था जो मैं लेकर आई थी, स्टोर बाउट खजूर पेस्ट। और ये हमारी सहरी हो रही है माशाल्लाह से। तो ये थी मेरी सहरी रूटीन, जो शॉर्ट सी मैंने शेयर किया आप लोगों को, आई होप पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह हाफिज़।